मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इंटरनेट सेंसेशन फैजल शेख उर्फ मिस्टर फैजू टीवी इंडस्ट्री में आते ही छा गए। यूं तो फैजल एक इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर है जो सोशल मीडिया पर अपनी रील्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब वो अपने स्टंट के लिए भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। फैजल शेख को टीवी के मोस्ट पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 12 का हिस्सा बनने का मौका मिला था और वो इसका अच्छे से फायदा उठा रहे थे और अपने अंदाज से दर्शकों को हैरान कर रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी 12 में फैजल शेख अपने सभी स्टंट को अच्छे से कर रहे हैं, इसके चलते वो टॉप कंटेस्टेंट में से एक बन गए। हालांकि फैजल अब KKK 12 के बाद अपनी डांसिंग स्किल से सभी के होश उड़ाने वाले हैं। जी हाँ, फैजल शेख जल्द ही झलक दिखलाजा सीजन 10 में दिखाई देने वाले हैं। हाल ही में फैजल ने इसे लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की है। फैजल शेख ने एक लीडिंग वेबसाइट को दिए गए एक इंटरव्यू में झलक दिखलाजा 10 का हिस्सा बनने का अपनी खुशी जाहिर की। फैजल ने कहा मुझे खुशी है कि मैंने अपने पहले रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी से टीवी की दुनिया में कदम रखा, जो मेरे लिए सबसे अच्छे अनुभव में से एक रहा। हालांकि इस आइकॉनिक डांस शो झलक दिखलाजा का हिस्सा बनने पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भारत के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो का हिस्सा बनकर खुश हूँ। मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट के लिए मुझे अपने फैंस से बहुत प्यार मिला है और अब लाइव ऑडियंस के सामने डांस करना एक बिल्कुल नया अनुभव होने वाला है। फैजल ने आगे कहा, मुझे डांस करना पसंद है। मैं इंडस्ट्री के अन्य सेलिब्रिटीज के साथ स्टेज शेयर करने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपनी नई जर्नी को शुरू करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। टैलेंटेड कोरियोग्राफर्स के गाइडेंस में माधुरी मैम, करण सर और नोरा फतेह के सामने परफॉर्म करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो देखा आपने, खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में काम करते ही फैजल के हाथों में झलक दिखलाजा जैसा बड़ा शो हाथ लग गया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि फैजल शेख सलमान के शो बिग बॉस 16 में दिखाई देने वाले हैं। कहना गलत नहीं होगा कि फैजू इन दोनों काफी डिमांड में है। बात करें खतरों के खिलाड़ी 12 की, तो कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस शो को फैजल शेख ने जीत लिया है। उन्होंने मोहित मलिक और तुषार को मात देकर शो की ट्रॉफी अपने नाम की है। अब विनर का नाम सच है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।